बेटी हो? बोले क्या? कुछ नहीं। तो हो गया बर्थडे? तुम बताओ कैसा एक्सपीरियंस, मतलब कैसा लगा ये बर्थडे, पहला बर्थडे एज मॉम? कल पापा की बीवी टी शर्ट दुल्हन पहनी, बड़ी क्यूट। पापा ने गिफ्ट करी, पता है, कस्टमाइज करवा के। वो सबसे प्यारा मतलब मोमेंट था, मोमेंट जब मैंने वो टी शर्ट खोली और वो पापा का गिफ्ट था, तो वो बहुत ज्यादा, वो आप सब देखेंगे इसके ब्लॉग में, एडोरेबल लगा। तो तुम बताओ कि भाई पहला बर्थडे एज मॉम। आई थिंक एक जो चीज मैंने नोटिस की, आपको भी फील हुआ होगा कि ये मेरा शायद पहला बर्थडे था जिसमें मैंने राग नहीं गाया अपने बर्थडे का, वरना मैं 5 दिन पहले से शुरू रहती थी, मेरा बर्थडे आ रहा है। तो वो नहीं हुआ, बिकॉज पूरा दिन इसके डायपर वगैरह में ऐसा निकल जाता है। बट दैट फीलिंग कल वो पूरा, जिस तरह हम गए थे डिनर में, ये साथ में था, यू नो, एक कॉन्स्टेंट कभी शोएब संभाल रहे हैं, कभी मैं संभाल रही हूँ, कभी बाकी में से कोई हाथ में ले रहा है इसे, इसे बीच में फीड करना है, ये करना है, तो वो एक है ना, कुछ बहुत अलग सी वो फीलिंग थी। एंड पता नहीं यार, ये चीज आप वर्ड्स में नहीं बोल सकते, बट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग कंप्लीट, यू नो, एज अ फैमिली, लाइक नाउ हम हस्बैंड वाइफ है, अभी वो चाइल्ड भी है साथ में, तो नाउ बी कंप्लीट। एंड हाँ, एंड फॉर मी, जब मैं जब ये साथ में है, शोएब साथ में है, तो वो पूरा, मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकती, इट्स जस्ट अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एक अलग अलग स्टेजेस होते हैं, आप किसी की डॉटर होते हो, फिर आप वाइफ बनते हो, डॉटर इन लॉ बनते हो, एंड देन यू बिकम अ मदर, एंड दैट्स लाइक योर लाइफ इज कम्प्लीट, इट्स कंटेंट, एंड सो दैट इज वॉट इज द फीलिंग राइट नाउ। एक अलग तरीके की सेटिस्फैक्शन है जिंदगी में, चाहे थकान भी है, हर चीज़ है, आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इज वर्थ इट, इट्स ऑल वर्थ इट। हाँ, इट इज वर्थ इट। सो यस, एंड बाकी तो हर बार की तरह आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, इस बार तो, इस बार मुझे भी ज्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि आप बोल लो पहले, हम बोलने पहले, रुक जाओ, टाइम तो आने दो, फिर तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, है ना? हाँ जी, क्या हो गया? थोड़ा सा ये बीच में कहीं की हो गया था, उसको फीड चाहिए था, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये है व्लॉग मैम के, मैडम के बर्थडे का, और ज्यादा कुछ तो नहीं हो पाया इस बार। नहीं, एक चीज की बहुत ना लाइफ में इस वक्त फिलहाल स्पेशली, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन इस वक्त और ज्यादा ना, जैसे एक सेटिस्फेक्शन है, एक ग्रेटिट्यूड हमेशा रहा है, इस वक्त बहुत ज्यादा है, कि जिस फेज का मैंने बहुत इंतजार किया था लाइफ में, कि यू नो, जब बेबी होगा तब मैं घर पे रह के अच्छे से पूरा वक्त बेबी को दे पाऊँ, एंड उसके साथ रहूँ। एंड मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं वो ओल्ड स्कूल, जैसे हमारी मम्मियाँ हम लोगों के साथ रही हैं, मैं वैसे, हाँ आपके बारे में ही बात हो रही है, मैं वैसे रहना चाहती हूँ। सो दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल अबाउट, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, ये लाइफ, ये फेस बहुत भी बहुत सुकून से इस वक्त दिख रहा है, बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से, बहुत खुशियों से, बहुत खुशियों से, सच में। बस किसी की नजर न लगे, सब लोग हैं साथ, सब आप सबकी दुआएं साथ में हैं, हम सबके साथ में, तो इंशाल्लाह आगे का सफर भी ऐसा ही बहुत खूबसूरत जो है वो बीतता रहेगा, जैसे अब तक बीता हुआ है। चलो, इससे पहले भी डिवेंट करें, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, अपना खुश रहिए, प्यार बाटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी हो करिए, सही चीज़ करें, चीज़ पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, घर में बताइए, हंसी मजा कीजिए, खुश रहो। और बस अब मैं हूँ घर पर, इंशाल्लाह मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करता रहूँगा, जैसे वक्त मिलेगा, क्योंकि शूट अभी जो है वो खत्म हो गया है जूनी का, अब शूट पे नहीं जाना है। एंड यस, तो इंशाल्लाह मैं ब्लॉग जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा रूहान के साथ रहते हुए हम दोनों को, तो इंशाल्लाह वैसे वैसे ब्लॉग जो है वो आते रहेंगे, और जैसे जैसे वक्त मिलेगा बनाना के डालती रहूँगी। और जैसे जैसे शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त मिलेगा, क्योंकि अपनी पापा ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो अभी फिलहाल जो है मैं फीड कराती हूँ, और बर्प देने की पूरी जिम्मेदारी इनकी है, तो मैं फील कराती हूँ, पकड़ा देती हूँ, बर्प ये दिलाते हैं, तो मुझे जो टाइम मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हाँ, तो शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले अभी आपके होने से। चलो, ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज़, सब दुआओं में याद रखो, और थैंक यू सबको, हाँ सॉरी, सबको दिल से, आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू, हर बार आप लोग बिल्कुल फेल नहीं होते हो, हर बार अपनों की तरह आप लोग विशेष देते हो, खड़े रहते हो हर चीज़ में, जब कोई हमारे बारे में बुरा भी बोल